वाटरलू यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स ने ऐसे 549 माता पिता के बीच में एक रिसर्च किया जिनके 5 से 18 साल के 2 बच्चे थे। इस रिसर्च में यह पाया गया कि जो अभिभावक खाली समय में या आराम करने के दौरान फोन या अन्य डिजिटल माध्यमों के संपर्क में रहते हैं, उनका व्यवहार खराब हो जाता है। वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात बात पर अपने बच्चों को झिड़कते हैं, बदतमीजी करते हैं और बच्चों के ऊपर चिल्लाते हैं। यहाँ तक कि यह भी पाया गया कि ऐसे माता पिता 75% तक डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। ये रिसर्च कोविड काल के दौरान हुई थी। इसमें पाया गया कि स्क्रीन टाइम और डिजिटल माध्यमों के इस्तेमाल में काफी तेजी आई है और ज्यादातर माता पिता दिन में 3 से 4 घंटे डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। वाटरलू यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल साइकोलॉजी स्कॉलर जैस्मिन झांग ने कहा है कि परिवार के तौर पर माता पिता और बच्चे दोनों का व्यवहार मायने रखता है। यदि माता पिता का व्यवहार बदलता है और नकारात्मक हो जाता है तो इसका नकारात्मक असर बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। इस रिसर्च के अनुसार डिजिटल डिवाइसेस, बड़े स्क्रीन टाइम वो व्यवहार में आई तल्खी के बीच कनेक्शन पाया गया। रिसर्च ने यह भी पाया कि जब ऐसी स्थिति आती है कि माता पिता का व्यवहार खराब हो जाता है, तब 2 बातें होती हैं। या तो घर में बार बार झगड़े होते हैं, कलह होता है, या परिवार के लोगों के बीच आपसी बातचीत बहुत कम हो जाती है या करीब करीब बंद ही हो जाती है। दोनों ही स्थितियां परिवार की शांति के लिए अच्छी नहीं है। यदि ज्यादा बहस होती है, बदतमीजी होती है या हम आपस में एक दूसरे से चिल्लाकर बात करते हैं तो परिवार की शांति भंग होती है और कोई भी खुश नहीं रह पाता। इसी तरह यदि माता पिता के खराब व्यवहार के कारण आपस में परिवार के लोग बातचीत कम कर देते हैं, तब ऐसी स्थिति में बच्चों का दूसरी गलत आदतों के प्रति आकर्षण हो जाने की संभावना बढ़ जाती है और इससे बच्चे बिगड़ सकते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि आज हमारी जिंदगी फोन, लैपटॉप, टैबलेट और टीवी स्क्रीन के बीच उलझ कर रह गई है। जितना आपके काम के लिए जरूरी है, जितना आपके प्रोफेशन के लिए जरूरी है, उतना ही इनका इस्तेमाल करिए और तुरंत इन सब के चक्रव्यूह से बाहर निकलिए, क्योंकि ये आपके परिवार की शांति और खुशी के लिए जरूरी है।